thank <music> you हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो मौसम आपने देखा कितना प्यारा है और आज बहुत ही प्यारी धूप की ली है और ये है लावन्या लावन्या ने अपनी बैग ले ली है क्योंकि नई है ना तो उसे बहुत शौक रहता है बच्चों को तो बस उसने बैग ली है अपने पापा को दे ही नहीं रही है और साथ में है मेरे देवर का बेटा तो ये सेकेंड क्लास में पढ़ता है और अभी उसके पापा ने उससे बैग ले ली है मुश्किल से तो सामने आप देख सकते हैं ये जो वाइट वाइट है ये यहां पर कोहरा जमता है यहाँ पर बिल्कुल वाइट रहता है सुबह सुबह क्योंकि यहाँ धूप नहीं लगती तो इस वजह से यहाँ ऐसा कोहरा रहता है वाइट है आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो स्कूल है वहाँ भी ऐसा कोहरा जमा रहता है और बच्चे बेचारे ठंड में रहते हैं और जहाँ लावन्या पड़ती है वहाँ धूप लग लगती है वहाँ सुबह ही धूप लग जाती है तो ये स्कूल के उनके स्कूल में अच्छी बात है वहाँ धूप लग जाती है और ये मैं हो चुकी हूँ सारा काम करने के बाद फ्री नहा ली हूँ और मॉइस्चराइजर में लगा रही हूँ और टाइम हो रहा है एक तीस का तो टाइम का मुझे ध्यान ही नहीं रहा जैसे मैं नहा कर निकली तो मैं और कामों में लगी थी झाड़ू वगैरह किया अपने बर्तन वगैरह जो भी किचन का रहता है थोड़ा बहुत सारा काम किया तो उसके बाद नहाई और अभी मैंने टाइम देखा है तो जो साथ में मेरे जाते हैं उन्होंने आवाज़ दी तो मुझे पता लगा कि टाइम हो चुका है नहीं तो मैं आराम से लगी ही थी अपने कामों में तो अब मैं जाऊँगी लावण्या को लेने और जाते जाते मैं आपको दिखा हूं मौसम एकदम से चेंज हो गया है दो घंटे के बाद तो चलिए पहले घर चलते सॉक्स सॉक्स पहन पहन लिए बेटा क्यों नहीं लग रही, नहीं लग रही। के जाओ हेलो एवरीवन वेलकम बैक कैसे हैं आप सब गुड आफ्टरनून तो तीन बजने वाले हैं पौने तीन हो चुके हैं और लावण्या को लेकर मैं आई अभी हमने लंच वंच किया है वही रूखा सूखा जो भी था तो अभी लंच किया है और बर्तन अभी ऐसे ही रखे हैं बर्तन आज मैंने नहीं धोए हैं सुबह के भी पड़े हैं और लावण्या जा रही थी खेलने गले में इतनी दर्द हो जाती है ना पता नहीं क्यों सर्दियों में गले में, में मेरे बहुत दिक्कत रहती है मतलब ऐसा लगता है गर्म पानी पीते रहो चाय पीते रहो अदरक वाली और चाय पीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो अभी बर्तन करने हैं पर धूप में मुझे जाना था और धूप ना आज अच्छी नहीं है मतलब बादल बादल हो गए सुबह बहुत अच्छी थी सुबह मौसम बिल्कुल साफ़ था और अभी बादल बादल आ गए हैं अब बेटी तो चली गई है बीच बीच में धूप आ रही है तो मुझे लग रहा है मैं भी चली जाती हूँ थोड़ी देर धूप में बर्तन आके कर लूँगी क्योंकि कल रात भी मुझे दर्द हो गई थी कल हैप्पी वाला बर्थडे था और कल रात में दर्द साढ़े सात आठ बजे के करीब मुझे फिर से दर्द हो गई थी वही स्टोन वाली पर इससे पहले वो तेज़ होती मैंने पेन किलर ले ली तो उसके बाद मुझे आराम हो गया था पर दर्द लगी थी मतलब पता नहीं ठंड की वजह से हो रही है पता ही नहीं लग रहा है तो वैसे तो मुझे किसी ने बताया था कमेंट करके कि विटामिन डी थ्री की कमी से भी हो जाता है कैल्शियम की कमी फिर भी स्टोन होता है और मुझ में सेम सिम्टम वही है जो स्टोन है कैल्शियम की वजह से होता है वो मुझ में नहीं है क्योंकि कैल्शियम लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो स्टोन होता है पर मेरा कैल्शियम जितना बॉडी को चाहिए उतना भी नहीं है क्योंकि जब मैं शिमला से चेकअप करवा रही थी अच्छे सर्जन है उनसे मैंने चेकअप करवाया था तो सीनियर है बहुत उन्होंने जब मेरे सारे टेस्ट करवाए थे तो उसमें पाया गया डी थ्री विटामिन डी थ्री और कैल्शियम बिल्कुल कम तो तभी उन्होंने मुझे घर वापस भेज दिया था जब राइट साइड किडनी में, में मेरे स्टोन था तो उन्होंने फिर वापस भेज दिया था उन्होंने कहा बेटा ये खुद ही निकल जाएगी और उन्होंने एक पेन किलर मुझे दी थी और कहा था कि आप सब कुछ खाना क्योंकि आप के शरीर में कैल्शियम बहुत कम है तो आप दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ सब कुछ खाना तो फिर मैंने खाने स्टार्ट कर दी थी और स्टोन तो मेरा कम हो गया था मतलब दो पॉइंट चार एम एम रह गया है मतलब राइट साइड में तो सेवन पॉइंट नाइन की समथिंग के आसपास था जब इसमें स्टोन हुआ था तो टू पॉइंट फोर एम एम अब रह गया है पर इस तरफ को अब दोबारा से हो गया पर डॉक्टर ने तो खैर मना नहीं किए मुझे उन्होंने कहा है आप सब कुछ खाइए फिर से मुझे एक बार टेस्ट करवाने पड़ेंगे और धूप की बहुत कमी है ना यहाँ पर धूप की वजह से भी तो आज मैंने सोचा था मैं धूप में जाऊँगी पर आज मौसम ही ख़राब हो गया क्या कर सकते हैं और अब तो सुनने में आ रहा है कि कुछ दिन और मौसम ख़राब रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है और ये हीटर भी बहुत खून चूसते हैं तो बहुत ठीक नहीं रहते हीटर भी तो चलिए सबसे पहले सबसे पहले नहीं हाँ मतलब कह देती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच so इतनी अच्छी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी विशेष के लिए तो बर्थडे तो हर साल वैसे स्पेशल ही होता है और पर इस साल का मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल था और स्पेशल हो सकता था पर क्या कर सकते हैं भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं कर सकते पर आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी विशेज़ बहुत ही मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी कल एक एक कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो कितनी सारी मुझे विशेज़ हैं कितनी दुआएं हैं तो बहुत अच्छा लगा शायद यही मैं चाहती थी आ, मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले जब मैं अदर यूट्यूबर्स को देखती थी आ, कि भाई कैसे वो अपनी लाइफ दिखाते हैं कैसे उन्हें कमेंट्स आते हैं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम पर मैं पहुँच जाऊँगी जल्दी वो भी इतनी तो चलिए मैं और सभी को भी कहना चाहूँगी अगर कोई भी यूट्यूब पे आना चाहता है या आया है या न्यू है सीख रहा है तो देखिए खुद पर विश्वास रखिए अपना काम करते रहिए जितना श्रद्धा से आप अपना काम करेंगे भगवान आपको वैसा ही फल देगा क्योंकि मुझे नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा सब कुछ होप तो थी कि होगा होना चाहिए सबको होता है अगर कोई काम कोई इंसान किसी काम को करने जा रहा है तो आशाएं तो बहुत होती है पर मेहनत करते रहना चाहिए अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो भगवान को ज़रूर एक ना एक दिन आपकी मेहनत दिखती है तो वो मेहनत का फल मुझे मिल गया है और मेरी मतलब मैं मेरी फैमिली मैं कह सकती हूँ मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है और वो पाँच हज़ार प्लस हो गई है तो पहले मैंने सोचा था आ, मतलब शुद्धि के बाद शायद फाइव थाउजेंड हो जाएंगे तब हम केक कट करेंगे पर वो फ़ाइव थाउजेंड कल रात में ही पूरे हो गए और फिर अब चलिए कोई बात नहीं देखेंगे जब भी होगा ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि मैं नहीं कर पाई जब थाउजेंड हुए पहले हमने सोचा था, सोचा था जब थाउजेंड होंगे तब हम करेंगे उस दौरान हम शादी में थे उसके बाद हमने सोचा जब मोनेटाइज होगा तब करेंगे उस टाइम पे भी कुछ हो गया उसके बाद हमने सोचा था एक और दिन उसके बाद मैं बीमार हो गई उसके बाद बस मतलब कुछ ना कुछ अड़चने आती रही और आ ही रही है अब मेरे बर्थडे पे भी ऐसा हुआ चलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ऐसा ही सोचकर हमें जीना चाहिए तो देखेंगे जब जो होगा आपके साथ है जुड़े हैं आप ही के साथ है जो भी है तो ज़रूर जब सेलिब्रेट करेंगे तो आपके साथ भी शेयर करेंगे तो चलिए बातें हो गई बहुत सारी और एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू बहुत बहुत प्यार देने के लिए और इसी तरह अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा ताकि मेरी ये जो फैमिली है पाँच से दस दस से पंद्रह इस तरीके की होती जाए ये आप लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है तो चलिए थोड़ी देर में जाती हूँ अब धूप में क्योंकि बीच बीच में लग रही है धूप थोड़ी सी धूप देर चली जाती हूँ धूप में आके फिर बर्तन वगैरह करूँगी और फिर वही आजकल आजकल मतलब कोई रूटीन नहीं है बस ये झाड़ू पोछे और कपड़े वाला ही है बाकी तो कोई नहीं है मतलब खाना बनाने का कोई आजकल रूटीन नहीं है तो बस इसी तरह का बनता है कभी खिचड़ी कभी कुछ कभी वो रोटी बन जाती है सूखी घी वाली रोटी घी में ही सब कुछ बन रहा है शायद इसी वजह से मुझे कल फिर पेन हो गई क्योंकि घी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जिस दिन मैं बीमार हुई थी उससे पहले दिन मैंने घी खाया था और थोड़ा सा बिल्कुल घी खाया था और उसी रात में मुझे पेन शुरू हो गई थी तो अब पता नहीं पता ही नहीं लगता कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं डॉक्टर तो कहते हैं सब कुछ खाइए पर और उसे सुनते हैं तो वो कहते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ और फिर ना डर लगा रहता है और अब मैं जाऊंगी इसके बाद है यहाँ पर मतलब ठेक से थोड़ा पीछे है यहाँ से जाते हुए तो वहाँ पे एक वैद्य हैं वो दवाई देते हैं और वो गारंटीड कहते हैं वो स्टोन निकाल देते हैं पथरी का बहुत अच्छा इलाज करते हैं किडनी स्टोन वैसे निकल जाता है तो एक बार मैं उनके पास भी जाऊँगी तो पहले मेरी ये वाली दवाइयाँ ख़त्म हो जाए फिर मैं वहाँ जाऊँगी और फिर देखते हैं वहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है क्योंकि ऑपरेट तो इसको कर नहीं सकते ऑपरेट करेंगे ये फिर से आ जाती है फिर से हो जाती है तो यही दिक्कत है इसी वजह से मैं भी थोड़ी परेशान हो रही हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ किसकी सुनूँ तो बस चलिए पहले मैं अब जाती हूँ धूप में थोड़ी देर नहीं तो धूप चली जाएगी और आज ना मैंने कंगी भी नहीं की जैसे मैं नहाई उसके बाद टाइम हो गया था लावण्या को ले लाने का छुट्टी का वैसे ही दौड़ गई फटाफट और अभी तक कंगी नहीं की है अब कंगी करूँगी और धूप में चली जाती हूँ थोड़ी देर सारे मतलब बेटी आगे निकल गई है तब मैं बार बार बाहर देख रही हूँ और उसने सॉक्स नहीं पहने जैकेट भी नहीं पहना जैकेट उसको निकाला उसने यहीं फेंक दिया और भाग गई तो चलिए पहले मैं आती हूँ धूप सेक के फिर मैं आपसे मिलूँगी तो पाँच बजकर पच्चीस मिनट हो गए हैं और हम आ गए हैं वापस थोड़ी देर धूप में गए काफ़ी तेज़ नहीं थी पर बीच बीच में अच्छी धूप लग रही थी और फिर थोड़ी थोड़ी देर में बादल आ रहे थे और मैं दिखाऊंगी आपको ये गिफ्ट मुझे मेरे बेटे ने दिया ये छोटी छोटी खुशियां ना बहुत ज़्यादा खुशी देती है बहुत ही बड़ी वाली तो ये उसने खुद बनाया है पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा तो उसने हर जगह लिखा है पर पीछे तो नहीं लिखा अच्छा लिखा बहुत अच्छा है यू आर वन ऑफ द बेस्ट हाँ या पीछे नहीं इसको आगे बोलते हैं यू आर यू आर वन ऑफ द बेस्ट एट लास्ट विश यू हैप्पी बर्थडे मॉम तो कितने अच्छे तरीके से उसने बनाया है ना और इस पे ना एक रिबन लगा था विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे द वंडरफुल डे, हैप्पी बर्थडे लिव लॉन्ग तो ये उसने मुझे दिया और ये दिया पति देव ने गिफ्ट तो ये दो गिफ्ट मुझे मिले ये तो मुझे हर ओकेजन पे मिलता है करवा चौथ दिवाली दशहरा जो भी फंक्शन होता है ये लावण्या ने मुझे अभी याद दिलाई क्योंकि उसे उसको कुछ खाने का मन हो रहा था वो बोल रही थी मम्मा कुछ खाना है तो उसे अभी याद आई कि मम्मा रात में आपको चॉकलेट दी थी पापा ने वो दे दो तो आ, मुझे पेन हो पेन हो गई थी जब मुझे ये दी उसके बाद मुझे दर्दें शुरू हो गई उससे पहले ही हो रही थी दर्द कमर में हल्की हल्की तो ये फिर बेटे ने रख दी थी मैंने लेके कहा उसे रख दो मुझे ध्यान ही नहीं था और इसको अभी याद आई मम्मा आपको चॉकलेट दी है पापा ने वो खाते हैं अगर मैं कुछ और नहीं खा सकती तो बच्चे कितने तेज़ होते हैं ना बच्चों को याद रहता है पढ़ाई इसको याद नहीं रहती पर इसको और चीज़ें याद रहती है तो कौन है देखना तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी उतने को ये कारपेंटर भैया आ गए और इन्हें मैंने कल से बुलाया था तो आज इन्हें टाइम लगा तो ये कर्टन्स यहाँ लगाने हैं वैसे कर्टन की रोड तो यहाँ ऑलरेडी लगी है पर इसे हटाकर मुझे एक ही रोड लगानी है क्योंकि फिर डोर की अगर हम अलग से रोड लगाएंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा तो इसीलिए हम दूसरी रोड लेकर आए हैं एक ही रोड हम लगाएंगे बजकर हो चुके हैं दस मिनट और अभी मैं आ रही हूँ किचन से फ्री हो के सारे बर्तन धो के गैस वगैरह साफ करके और सारा काम करके अभी फ्री हो रही हूँ थक गई बहुत ज़्यादा आज और वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि वो मिस्त्री भैया थे वो आ गए थे तो कर्टन की रॉड लगाई पर्दे लगाए और बहुत अच्छे लग रहे हैं लगा के अब तो अंधेरा हो गया है लाइट बंद कर दी है तो सुबह में मैं आपको दिखाऊँगी तो सुबह में आपको मैं दिखाऊंगी और उसके बाद अब करते हैं रेस्ट उसके बाद मैंने थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने बिठाया था ख़ुद मैं किचन में गई खाना वगैरह बनाया और वो भैया रहे ना काफ़ी देर तो खड़े रहना पड़ता है ऐसा नहीं होता कि हम किसी के पास अपना काम छोड़ दें और दूसरे काम में लग जाएं तो वहीं खड़ी थी कम से कम एक घंटा लग गया एडजस्टमेंट में तो उसके बाद वो गए उसके बाद किचन में गई फिर बच्चों का होमवर्क वगैरह देखा सारे काम के बाद अभी मैं फ्री हो रही हूँ खाना वगैरह देने के बाद बच्चों को सारे बर्तन धोने के बाद अभी फ्री हो रही हूँ और अब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ अब मैं लूँगी अपनी दवाइयाँ और बहुत खुश हूँ मैं तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है मेरे घर के छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों में भी अब आप लोगों आप लोग पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा होता है मेरे घर में मैं कुछ भी अगर लेकर आती हूँ वो चीज़ चाहे छोटी सी हो चाहे वो पचास रुपए की भी हो कोई नई चीज़ हो तो मुझे बहुत खुशी होती है तो पर्दों के लिए मैं कब से सोच रही थी तो आज जैसा मैं चाहती थी जिस तरीके से मैं लगाना चाहती थी वो उस तरीके से लग गया मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे तो बहुत खुशी मिलती है ऐसी छोटे छोटे उससे खुद ही खुश होती रहती हूँ मैं तो चलिए फिर अब इसी खुशी के साथ इस वीडियो का भी कर देते हैं एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट